हेलो एवरीवन। तो आज फिर से एक नया वीडियो जिसमें हम ट्राई कर रहे हैं एक नई जिन, क्योंकि जिन मुझे कुछ ज़्यादा ही पसंद है। तो ये है ट्राई इंडियन क्राफ्ट जिन जो मैंने ख़रीदी है हरियाणा से। एक्चुअली मैं ट्राई कर चुका हूँ और इसका टेस्ट वाकई बहुत अच्छा लगा मुझे। तो मैं सोचा चलो बाकी अपने फ्रेंड्स को भी बता ही देता हूँ मैं। एल्कोहल वही 42.8% है एंड इसमें और क्या लिखा हुआ है, वी कम्बाइन द लव फॉर आवर लैंड, आवर एक्सपीरियंस इन डिस्टिलेशन एंड एग्रीकल्चर एंड द स्पिरिट ऑफ क्राफ्ट टू क्रिएट द ट्रू इंडिया ड्राई जिन। वैसे तो मोस्ट पॉपुलर आप सुनोगे तो लंदन ड्राई जिन के नाम से ही है पॉपुलर, बट ये इंडिया की स्पिरिट को शायद क्लियर करके जिन बनाई गई है। हाँ, तो जिन का मुझे एक चीज़ बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अगर आप ये देखोगे जिन कैसे प्रिपेयर करते हैं तो इसको देख के ही फीलिंग ऐसी आती है जैसे कोई आयुर्वेदिक काढ़ा हम पी रहे हैं। तो और हैंगओवर में भी मेरे को काफ़ी कम इसका लगा कि जिन में हैंगओवर बहुत ही कम फील होता है। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, अगर लिमिट से ज़्यादा पियोगे तो आपको बहुत ज़्यादा लगेगा, बट अगर लिमिट में पीते हो, लिमिट में अच्छी खासी लिमिट में, तो हैंगओवर की दिक्कत मुझे जिन में सबसे कम लगी है। और इसे ज़्यादा लिमिट से ज़्यादा पियोगे तो बियर में भी हैंगओवर हो जाएगा। तो आज इसको ट्राई करने के लिए ये आइस क्यूब मैंने डाल लिया है। जिन के साथ सबसे ज़्यादा पॉपुलर है टॉनिक वाटर, तो टॉनिक वाटर मैं लेके आया था उसके साथ में, वो तो ख़त्म कर दिया ट्राई करने में ही। तो आज सिंपल सेकेंडरी ऑप्शन होता है सोडे के साथ, और मेरे पास है साथ में ये मेजरमेंट के लिए 60 ml का। एक चीज़ जो दिखाना चाहता था वो ये कि जो देखो वाइन टाइप में इसका ढक्कन, और बहुत मस्त ये जो साउंड आता है ये बड़ा ही अच्छा लगता है। तो सबसे पहले अपना 60 ml जिन, हम कहेंगे इसमें जगह तो है ही नहीं तो हमें चाहिए ही क्या। उसके बाद एक चीज़, वैसे तो लेमन मोस्टली ड्रिंक के साथ बहुत अच्छा लगता है, अगर सिंपल सोडा लेमन बस आइस क्यूब और कुछ में डालो तो, अगर लेमन ना हो तो ये थोड़ा कॉम्प्लीमेंट्री टेस्ट दे देगा, इतना एग्जैक्ट फ्रेश लेमन के जैसा नहीं है। तो मेरे पास लेमन है बट मैं सोचा चला दिखा दूँ, तो इसमें बस लगभग एक चम्मच, एंड उसके बाद अपना सोडा, ये बिस्लरी का क्लब सोडा। बाकी इसे टॉप अप कर सकते हैं, बाकी आप नापना चाहे तो माप के भी कर सकते हैं, एक से दो सेम यूज़ कीजिए। जैसे 60 ml अगर डाला है तो मैक्सिमम दो, नहीं मिनिमम एक आप 60 ml यूज़ कीजिए। तो नाउ इट्स टाइम टू टेस्ट। वैसे तो मैं ऑलरेडी टेस्ट कर चुका हूँ बट फिर भी बहुत लाइट, और बाद में तो ऐसी मिठास रहती है जैसे कुछ मीठा प्योर, बहुत ही लाइट। आप डेफिनेटली ट्राई करो, क्योंकि जिन बहुत कम लोग जानते हैं, बहुतों को तो पता ही नहीं है और बहुत कम पॉपुलर है, सब लोग विस्की पीते हैं। तो ये भी ट्राई करनी चाहिए, और ये वन ऑफ द बेस्ट जिन है, बोतल बहुत क्लासिक है। देखिए तो मैं तो चाहता हूँ आप भी एक बार ट्राई करो। प्राइस मैं बता देता हूँ, दिल्ली में ये 1800 रुपये की है और हरियाणा में ये 1400 की ली है मैंने, और ये बाकी सिटी टू सिटी वेरी करती है, हरियाणा में कोई फिक्स रेट नहीं है। अब टाइम है शॉर्ट्स का, जो कि मुझे बहुत पसंद है। किसी के भी शॉर्ट्स, चाहे वो विस्की हो, रम हो, जिन, वोडका और वाइट रम, बकार्डी माय फेवरेट। तो किसी की भी अगर स्मूथनेस आपको देखना हो तो ये मेरे पास है 30 ml, तो हम इसको ट्राई करेंगे। और इसके साथ में बस एक चीज़,
छोटा सा लेमन। आप सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी ठीक है, बट आप अगर रेगुलर सॉल्ट लगाते हैं तो फिर आपको सॉल्ट की इतनी नीड नहीं होती, इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती, इवन लेमन की भी ज़रूरत नहीं होती अगर लाइट टेस्ट हो। तो सॉल्ट मैं आज पहली बार ट्राई कर रहा हूँ इसका, देखते हैं कितना लाइट टेस्ट है। वैसे तो बहुत लाइट है, इजीली आप ले सकते हैं शॉट्स, बट एज कंपेयर टू बकार्डी लेमन फ्लेवर थोड़ा सा हार्ड है। पीने में दिक्कत नहीं आएगी, जब वो अंदर चली जाएगी जिन, उसके बाद आपको इसका इफेक्ट फील होगा। माउथ में क्लियरली बड़े स्मूथली जाएगी, बट अंदर जाके अपना कोहराम मचाएगी ये। हाँ, बट एज़ कम्पेयर टू बकार्डी लेमन फ्लेवर से तो स्ट्रॉन्ग है, लेमन फ्लेवर को ज़्यादा ही लाइट है, बट जो प्लेन बकार्डी है वाइट रम, उसके जितना स्मूथ है। बट पीने में बहुत इजी है, बहुत ही स्मूथली गई अंदर, कोई दिक्कत नहीं आई। ओके देन, तो डेफिनेटली आप लोगों को ट्राई करनी चाहिए। ओके देन, बाय, एन्जॉय। Cheers.